अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम एम जी के शोरूम पहुंच गए हैं। तो इस वक्त मैं बैठा हुआ एम जी जेड एस ईवी में। ये एक टोटली इलेक्ट्रिक कार है। ये कार काफी रेयर है ना? हाँ, ये कार काफी रेयर है, ज्यादा लोग इसको इतना बाय नहीं करते। रेड कलर में सर। तो इसका मैं आपको इंटीरियर भी दिखाता हूँ, एक्सटीरियर सब एक्सटीरियर का भी रिव्यू करते हैं। तो फिलहाल इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट करके भी दिखाते हैं, कर लेते हैं। इसका जो इंटीरियर है वो ब्लैक कलर में है। बाकी इसकी ये पैनोरामिक सनरूफ है, ये आप देख रहे हैं। अब इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ। बाकी गाड़ी का रिव्यू पहले अंदर से शुरू करते हैं, फिर तो सबसे पहले गाड़ी का स्टार्टअप आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर इसका पुश स्टार्ट का बटन लगा हुआ है, ये देखें। और ये इसकी की पड़ी हुई है, ये गाड़ी स्टार्ट होगी। इसका बिल्कुल भी शोर नहीं है, किसी भी किस्म का कोई शोर नहीं है। ये सबसे पहले इसके स्टेयरिंग की तरफ आते हैं। स्टेयरिंग पे यहाँ एम जी की बैजिंग हुई हुई है क्रोम की। साथ में यहाँ पर बटन मिल जाते हैं हमें। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, इसमें क्रूज कंट्रोल है। हाँ, इसमें क्रूज कंट्रोल की ऑप्शंस वगैरह यहाँ पर आ जाती हैं, और लेन असिस्ट की ऑप्शन भी इस जगह पे आ जाती है, साइड पे ही मैं दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर एलसीडी मिल जाती है, यहाँ पर हमें नीचे बटन मिल जाते हैं म्यूट वगैरह के, और इसके साउंड वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन के। इस जगह पर हमें एसी मिल जाता है। सबसे मज़े की चीज़ जो है यहाँ, सबसे मज़े की चीज़ है इसका जो गियर नॉब है, ये डिफरेंट है एम जी का। बाकी दूसरी तरह की गाड़ी जैसा होता है इसका, ये स्लाइडिंग वाला। अब यहाँ पर मैं आपको गियर डाल के नहीं दिखा सकता, ये देखें गियर मिल जाता है, गियर वाली गियर बॉक्स है ये वाला। और यहाँ पर पार्किंग हैंड ब्रेक का बटन है, नीचे चल जाता है। ये आर्म रेस्ट है, यहाँ पर भी हमें काफ़ी छोटी स्पेस लग रही है, तो बड़ी नहीं है ना। यहाँ पर नीचे बटन आ जाते हैं, इसी क्लाइमेट कंट्रोल का आ जाता है। आवाज बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी की, ना पता ही नहीं चल रहा कि गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। यहाँ पर हमें ये मिल जाता है। उसके बाद इस जगह पे डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड की स्पेस हमको दिखा रहा हूँ, कुछ खास ही छोटी सी है। अच्छा, बाकी यहाँ पर पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर है, ये देखें। बाकी डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पर बटन मिल जाते हैं हमें, यहाँ पर अनलॉक और लॉक के। और इस जगह पे हमें यहाँ पर विंडोज़ अप एंड डाउन के यहाँ पर बटन मिल जाते हैं। और बाकी जो इसकी जो पोशिश है वो पियानो ब्लैक कलर में है, यहाँ पर बीच में वाइट लाइंस है। और यहाँ पर हमें एक स्पीकर मिल जाता है। इस जगह पे लाइट एडजस्टिंग मिल जाती है हमें, और यहाँ पर साइड मिरर की एडजस्टिंग मिल जाती है। ये बोनट की ऑप्शन है। पहले वो गाड़ी बंद करते हैं, आपको मैं पीछे से भी करता हूँ, उसके बाद बाहर से करता हूँ। गाड़ी बंद हो गई, बाहर जाके मैं कुछ करूँ। बैक स्पेस जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब सही है, ज़्यादा तंग तंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंफर्टेबल भी नहीं है। ठीक है, फाइव सीटर कार है ये। बाकी भाई जान गाड़ी की जो लग रहा लुक है, डैशबोर्ड बहुत छोटा। हाँ, डैशबोर्ड ये मेरे ख्याल वैगन आज 2 इंच बड़ी होगी। 2 इंच बड़ी नहीं होगी, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा, खूबसूरती इस गाड़ी में अंदर बैठ के ऐसे पैनोरामिक सनरूफ की आ रही है जो बड़ा खूबसूरत है। इसको मैं खोल के भी दिखाता हूँ बाहर से आपको। ये कॉम्पैक्ट एसयूवी कह लो। हाँ, ये एसयूवी भी नहीं है, ये कॉम्पैक्ट। अभी स्टार्ट कर लिया मैंने, बाहर से दिखाता, खोल के दिखाता हूँ मैं अभी। अभी मैं आपको उसका बाहर से रिव्यू करता हूँ। अंदर कोई खास बताने वाला था नहीं, बस ये चीजें, सीट्स वगैरह का मैंने आपको बताया, कम्फर्टेबल है, ज्यादा तंग भी नहीं है, टाइट नहीं है। और बाकी जो डोर्स हैं वो सिंपल से हैं। इसके 17 इंचेस डायमंड कट अलॉय रिम्स हैं, और साथ में इसको मिशलिन कंपनी के टायर्स आ रहे हैं। बाकी इसकी रेड कलर की बॉडी है। यहाँ पर हमें डोर हैंडल मिल जाते हैं इसका। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्होंने बैक साइड पर विंडो दी हुई है। और सबसे पहले इसका आगे जाके इंजन का रिव्यू करते हैं, इसका इंजन देखते हैं। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है,
जो कि 44.5 किलोवाट आवर्स की है, और इसकी 5 साल की वारंटी है। हाँ जी, 5 साल, 5 साल की वारंटी है इसकी, और साथ में इसका मॉड्यूल है। यहाँ पर इसकी बैटरी मिल जाती है, साथ में कूलेंट दिया गया है जो पावर मोटर को हमारी को ठंडा रखता है। ये कूलेंट दिया गया है, बाकी ये सिंपली इसका वाइपर का मिल जाता है हमें। और ये हमारी फ्रंट पे गैलेक्सी ग्रिल है, इसको हम सिंपली एमजी के मोनो पर प्रेस करेंगे, ये हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारी चार्जिंग पोर्ट्स दी गई हैं, जस्ट रिमूव द कैप वी कैन सी द पोर्ट। ये हमारी वो पोर्ट है जो 220 वोल्ट पे हम इसको चार्ज कर सकते हैं चार्जिंग। ये हमारी वो नीचे दी गई है फास्ट रैपिड चार्जर के लिए, जो हम बाहर से इसको चार्जिंग कराएंगे गाड़ी को। तो गाड़ी को बाहर से चार्जिंग कराएंगे 35 से 40 मिनट्स के अंदर ये गाड़ी 0-100 फुल हो जाएगी। चार्जर हमारे इंस्टॉल्ड है बेरा के ऊपर, लाहौर में और इस्लामाबाद में, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो 5 घंटे वाला चार्जर है बैक साइड पे, हमारे पास भी वो इंस्टॉल्ड है, और एज सून एज पॉसिबल हमने भी इस चीज़ को जो है वो चार्जर यहाँ पे भी इंस्टॉल करते हैं। बाकी एक दफ़ा चार्जिंग से हमारी जो कस्टमर रिव्यू है, हमने किसकी गाड़ी दी है जिनको, वो 275 किलोमीटर की रेंज बता रहे हैं एक दफ़ा चार्जिंग से। इसकी चार्जिंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो चार्जिंग कॉस्ट हमारी 500 से 550 के दरमियान इसकी चार्जिंग कॉस्ट वन टाइम करनी है। और बाकी इसकी बैटरी की 8 साल की वारंटी है, गाड़ी की 5 साल की वारंटी है, उसमें हर चीज़ कवर हो जाती है हमारी, लाइक पावर मोटर से। बस बंद कर दें इसको। फ्रंट साइड पे हमें गैलेक्सी ग्रिल मिल जाती है, और बीच में वैसी जैसे पहले बताया एमजी का मोनोग्राम मिल जाता है। यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है हमें, और इस साइड पे हमें इसकी खूबसूरत लाइट्स मिल जाती हैं। बीच में इसके डे लाइट DRL भी हैं इंस्टॉल नीचे, यहाँ पर फॉग लैंप्स नहीं हैं। ये LED लावा लाइट्स हैं, अभी इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर खूबसूरत सी लावा लाइट्स मिल जाती है हमें, यहाँ पर ये ओपन है इस वक्त, और यहाँ पर रिवर्स लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ इंडिकेटर मिल जाता है, ये रिफ्लेक्टर्स हैं, और इसी साइड पे अगेन यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर एमजी की खूबसूरत सी बैजिंग की हुई है उन्होंने बैक पे। बाकी गाड़ी की साइड से बात करें तो गाड़ी साइड से सेम वैसी है, ZS जैसी जैसे ये वाली है, और सिर्फ इसमें अलॉय रिम्स का डिफरेंस है, इसमें डायमंड कट है और इसमें दूसरे आते हैं। साइड मिरर्स की बात करें तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं साइड मिरर्स में, और साथ में इसकी जो विंड स्क्रीन है वो एज कम्पेयर टू HS थोड़ी छोटी है। इसका 275 टॉर्क है, और साथ में इसकी आपको पिक भी हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इसका वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाकी थैंक यू। तो बस आज का इतना ही रिव्यू था, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मायरा खान, ओह माय गॉड, ये मायरा खान के साथ मैंने वीडियो बनाई है। अस्सलामुअलैकुम। तो फाइनली हम MG के शोरूम आ गए हैं। इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ MG ZS EV में। ये टोटली इलेक्ट्रिक कार है। ये अभी इन्होंने डिलीवरी शुरू कर दी है इसकी, डिलीवरी इनकी हाँ बहुत देर से हो रही है। हाँ डिलीवरी शुरू हो गई है। ये रेड कलर है, इतना सेल नहीं हुआ ना रेड कलर। रेड कलर इतना रेयर नहीं है, लेकिन बहुत कम लोगों के पास है, मतलब रेयर है। इसको दोबारा क्लियर कट कर। अब तो बस वाइब ही वाइब है, हर पासे हाइप ही हाइप है। मैन डोंट वेट फॉर नन, फर्क नहीं पड़ता तू आए आए नहीं। दिल मेरा खोल ले जाइस है, पुट इट इन माय कप, नशा या ख्वाहिश है। लॉयल्टी एंड ब्लड मिलते नहीं जाइश है, मुझसे ना पूछा कर हम कहां गए थे।